जैसे कि करवा चौथ आने वाला है और बहुत सी प्रेग्नेंट महिलाएं ये सोच रही होंगी कि हम प्रेगनेंसी के दौरान करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं या फिर नहीं रख सकती हैं, क्या करना चाहिए, क्या सरल तरीका है जिससे हम करवा चौथ का व्रत भी रख लें और हमारे होने वाले बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि काफी ज्यादा कंफ्यूजन लेडीज के मन में रहता है, जो प्रेग्नेंट होती है पहले से ही सोचते रहती है कि हमें रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, हम काफी सालों से रखते हुए आ रहे हैं। तो किन महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए और कौन सी महिलाएं रख सकती हैं और क्या सही मतलब सरल तरीका होता है जिससे कि आप फास्ट भी रख लें और आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम भी ना हो। क्योंकि आप अपने हस्बैंड के लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती हैं, तो आपको अपने हस्बैंड के साथ साथ अपने होने वाले बच्चे का, जो गर्भ में बच्चा पल रहा है, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम भी ना हो। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं उन लेडीजों को जिनको कि व्रत नहीं रखना चाहिए। जी हाँ, देखिए, जिन लेडीजों की हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी मतलब ट्विंस प्रेगनेंसी है, जुड़वा बच्चे हैं पेट में, या फिर प्लेसेंटा प्रीविया है, जो आंवल है वो नीचे की साइड है, अल्ट्रासाउंड में ये पता चल जाता है और डॉक्टर आपको बता देते हैं कि आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, और भी कोई कॉम्प्लिकेशन जैसे बीच बीच में ब्लीडिंग होना या फिर मुश्किल से कई सालों बाद आपको आप प्रेग्नेंट हुई हैं, मुश्किल से बच्चा लगा है, तो भी आपको प्रेगनेंसी के दौरान व्रत नहीं रखना चाहिए। करवा चौथ का ही नहीं बल्कि और भी व्रत लेडीज़ रखती हैं, तो वो भी आपको नहीं रखना चाहिए। तो इसके लिए जैसे कि आपको नहीं पता है हमारा प्लेसेंट्रा पीविया है या नहीं है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी है या नहीं है, इसका पता करने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और डॉक्टर से जरूर बात करना पड़ेगा इस बारे में कि हम करवा चौथ का व्रत रख सकते हैं या फिर नहीं रख सकते हैं। क्योंकि ये निर्जला व्रत होता है, पानी भी नहीं पीना होता है, तो आपके लिए इसमें कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकते हैं, है ना। तो डॉक्टर को सारी रिपोर्टें पता होती है, आपकी सारी हिस्ट्री पता होती है, सारी रिपोर्ट्स डॉक्टर के पास होती हैं, तो डॉक्टर काफी सही तरीके से आपको समझा सकते हैं आप रख सकती हैं या फिर नहीं रख सकती हैं, रख सकती हैं तो किस तरीके से रख सकती हैं, है ना। कई बार डॉक्टर पानी पीने के लिए भी कह सकते हैं उसमें। तो देखिए, कई महिलाओं के मन में ये होता है कि हम पानी पी लेंगे फिर तो व्रत टूट जाएगा क्योंकि ये निर्जला व्रत है ना, भगवान हमसे नाराज हो जाएंगे। लेकिन देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि भगवान को आपकी कंडीशन मालूम है ना। आप जितना कर सकती हैं, जितना आपकी मतलब क्षमता है ना, जितना आपका शरीर कर रहा है वर्क, उतना आप कर सकते हैं, अपने साइड से अपनी श्रद्धा से उतना कर सकते हैं, उसी में भगवान खुश होते हैं। और जबरदस्ती यानी कि आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, डॉक्टर ने भी मना कर दिया है, तो आपको जबरदस्ती नहीं लेना है, भगवान का नाम लेना है, उनसे क्षमा मांगनी है, और भगवान हर चीज को देखते हैं, है ना, आपकी प्रॉब्लम को देखते हैं। बच्चा भी, प्रेगनेंसी भी आपको भगवान की देन है, भगवान ने आपको दिया है बच्चा, है ना। क्योंकि कई सारी महिलाएं कितने सालों से परेशान होती हैं संतान के लिए, संतान उनको नहीं होती है, तो दोनों ही चीजों को लेके चलना है, अपने डॉक्टर से जरूर बात करना है कि हम ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते। क्योंकि हिस्ट्री यहाँ पे डॉक्टर को पता होती है आपकी कि सही चल रही है आपकी प्रेगनेंसी या नहीं है, आपका प्लेसेंटा प्रीविया की प्रॉब्लम तो नहीं है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी तो नहीं है, हाई बीपी, कई तरह की कॉम्प्लिकेशन होते हैं जिसको हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं, जैसे ट्विंस प्रेगनेंसी हो गई, तो इन लेडीजों को काफी ज्यादा मुसीबत बढ़ सकती है। दूसरा, उन लेडीजों की बात कर लेते हैं जिनका कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है, नॉर्मल प्रेगनेंसी स्मूथली चल रही है, सब कुछ ठीक ठाक है, आराम से उनको बच्चा भी लग गया था और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, प्रेगनेंसी के दौरान उनको ब्लीडिंग भी नहीं होती है, तो वो महिलाएं ले सकती हैं। और इसके लिए उनको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जब आप व्रत रखती हैं उस दिन सुबह जल्दी उठ के 3-4 बजे ही सरगी आप खा लें, है ना। सरगी में आप ड्राई फ्रूट हो गया, दूध हो गया, हाई प्रोटीन डाइट, जिससे कि आपको मतलब एक शरीर में एनर्जी बनी रहे। सुबह जल्दी उठ के ये सरगी आप ले लीजिए, अगर आप पहले से नहीं खा रही हैं तो इस बार खा लीजिए, है ना, क्योंकि आपकी इस बार प्रेगनेंसी है ना, तो ये चीज आप कर सकती हैं। सरगी लेने के बाद आप रेस्ट करिए, आराम करिए, सो जाइए, उसके बाद जैसे ही आपकी दिनचर्या जैसे उठती है आप वैसे उठिए, नहाइए धोइए, और आपको ध्यान रखना है कि ज्यादा आपको काम उस दिन नहीं करना है। जैसे आप नॉर्मली अगर मार्केट जाती हैं, कहीं सब्जी लेने जाती है या कुछ और भी काम रहते हैं आपके घर के, वो अगले दिन कर लीजिए, उस दिन आप थोड़ा रेस्ट कीजिए, है ना, अपने शरीर को आराम दीजिए, ताकि आपकी एनर्जी का लेवल बना रहे, खत्म ना हो, एनर्जी आपकी लॉस ना हो, है ना।
ज्यादा भीड़भाड़ वाली जगह में या फिर ज्यादा शोर शराबे वाली जगह में या फिर ज्यादा धूप में जाने से बचिए, ताकि आपकी एनर्जी सेफ रहे और आप थके ना और आपको कोई प्रॉब्लम भी ना हो। दिन के टाइम भी आप रेस्ट कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं, है ना। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ में एक और टिप्स मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि पूरा दिन आपका आराम से व्रत में निकल गया, अगर आपको इस दौरान कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, बीच बीच में कोई भी कॉम्प्लिकेशन होता है, बच्चे की मूवमेंट आपको ज्यादा महसूस होती है, बच्चे की हलचल ज्यादा महसूस हो रही है या फिर बहुत कम हो रही है ना, तो तुरंत डॉक्टर के पास संपर्क करना चाहिए और हो सके तो आप पानी पी लीजिए। उस व्रत को वहीं पे रोक भी सकती हैं, है ना, वहीं पे आप कुछ खा भी सकती हैं अगर इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपको दिखती है तो, या फिर आपको चक्कर आ रहा है, वॉमिटिंग आ रही है ना, इस तरह का जी में चल रहा है, चक्कर आना इस तरह का हो रहा है, तो बीच में ही आप पानी वगैरह पी सकती हैं। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली, क्योंकि भगवान आपको देख रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम समझते हैं, है ना। तो ये चीज आप कर सकते हैं, आराम आपको मिल जाएगा और रेस्ट कीजिए, दिन के टाइम पे भी रेस्ट कीजिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, पूरा दिन ऐसे आराम से निकल जाएगा। उसके बाद जैसे ही चांद आता है, व्रत आपका टूट जाता है, उसके बाद आप पानी जब लेती हैं तो नारियल पानी लेके अपने व्रत को तोड़िए, और एकदम से आपको काफी गिलास पानी नहीं पी लेने हैं, है ना। ऐसा नहीं कि आप एकदम से धड़ाधड़ पानी पिए जा रही हैं, ऐसा नहीं करना है, सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा करके लीजिए, पानी पीजिए, उसके बाद थोड़े मिनट बाद, आधे घंटे बाद फिर से पानी लीजिए, इस तरीके से। और इसी तरीके से खाना भी आपको एकदम से नहीं खा लेना है, थोड़ा थोड़ा करके खाना है, जिससे कि आपको वॉमिटिंग ना आए। एक तो प्रेगनेंसी में वैसे ही काफी लेट में पाचन होता है ना, आपकी जो आंतें होती हैं वो काफी स्लो हो जाती हैं, तो इसलिए आपको कम क्वांटिटी में यानी कि कम मात्रा में लेना है। भले ही आप 2 घंटे बाद ले लीजिए, है ना, जैसे आप खाना खा रही है 2 घंटे बाद फिर से ले लीजिए, इस तरीके से लेंगी तो आपको वॉमिटिंग, जी में चलना या फिर अपच की समस्या नहीं होगी। अगर अपच हो जाएगी तो पूरा वॉमिटिंग के साथ आपको निकल जाएगा, और वॉमिटिंग जब होने लगती है तो डिहाइड्रेशन बॉडी में हो जाता है, पानी का स्तर बॉडी से घट जाता है, और आपको प्रेगनेंसी के दौरान इसमें कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं, है ना, बच्चे को भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस कंडीशन में आप जाने से बच सकें, इसलिए इन बातों का ध्यान रखिए। जब भी व्रत टूटता है आपका, जब भी व्रत आप खोल रही हैं, थोड़ा थोड़ा करके पानी पीजिए, और उसके बाद जब खाना खा रही हैं तो थोड़ा थोड़ा करके खाइए, एकदम से भरपेट आपको नहीं खाना है, जिससे वॉमिटिंग अपच की समस्या नहीं तो आपको बढ़ जाएगी, है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, इस तरीके से अपने करवा चौथ के व्रत को एंजॉय कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ जो आपके डाउट थे, जो सवाल थे, वो पूरे हो गए होंगे, इस वीडियो में आपका जवाब दे पाई होंगी। तो इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो आगे भी मैं लाने वाली हूँ, आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी में आपको काम आने वाले वीडियोज़ मैं इस चैनल में लाने वाली हूँ, जो कि आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी में आपको हेल्प करेंगे। तो कोई भी सवाल है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।